हेलो फैमिली, जैसा कि इसके पहले वाले एपिसोड में हमने देखा था कि गोयन जो है लिंगजोई को डरा दी थी कि उसके घर में बहुत सारे कॉकरोचेज हैं। तुम इमेजिन करो कि तुम सोओगे तो वो कॉकरोचेज तुम्हारे ऊपर चल रहे होंगे। ये उसे डराने के बाद वो सोने के लिए चली जाती है और बेचारा लिंगजोई उसके बात को सच मान करके लिटरली वो रात भर जगे रह जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब गोयन जगती है तो देखती है कि लिंगजोई पूरा पांडा बना हुआ है, उसके डार्क सर्कल हो गए हैं। ये कि तुम सच में रात भर नहीं सोए? अरे मैं तो मजाक कर रही थी। अच्छा छोड़ो, चलो मैं जा रही हूँ, कॉकरोच मारने वाला स्प्रे लेकर के आती हूँ। फिर वो लोग शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। लिंगजोई जो होता है वो कॉस्टली वाला स्प्रे चूज कर रहा था और गोयन सस्ता वाला। गोयन बोलती करे बस उसकी पैकिंग अच्छी है लेकिन अच्छा मटेरियल यही है। तो लिंगजोई बोलते कि ठीक है चलो दोनों बाई कर लेते हैं, फिर ट्राई करेंगे कौन बेटर है। तो गोयन बोलती है छोड़ो चलो हम लोग तुम्हारा ही वाला बाई करते हैं। उसके बाद वो घर आकर के सब जगह अच्छे से स्प्रे करती है और बोलती है अब ठीक है। कितना डरता है कॉकरोच से आ रही है। तो ये बात लिंगजोई सुन लेता है, वो उससे उसका फोन मांगता है। जैन अपना फोन देती है तो वो उसमें कुछ सेटिंग करके उसे वापस कर देता है और फिर सोफा पे बैठ करके काउंटिंग करने लगता है। कुछ ही सेकंड के बाद गोयन अपने रूम से चिल्लाते हुए वापस आती है और बोलती है कि तुमने ये मेरे फोन में सेट किया ना। एक्चुअली लिंगजोई ने उसके फोन में कॉकरोच वाला थीम सेट कर दिया, तो उसके स्क्रीन पे पूरे कॉकरोच स्क्रॉल कर रहे थे। वो बोलता है कि तुम तो बड़ा स्ट्रांग बन रही थी, तुम्हें तो कॉकरोच से डर नहीं लगता है, अब क्या हो गया? गोयन उसे हटाने के लिए बोलती है वो थीम। तो लिंगजोई बोलता है कि आधे घंटे में वो खुद ही हट जाएगा। इसके बाद लिंगजोई बैठ करके टीवी पे न्यूज देख रहा था, उसी के बारे में न्यूज आ रहा था। उसके जाने के कुछ ही दिन बाद कंपनी में पूरा हल्ला मच गया था कि वो मर चुका है, वापस नहीं आने वाला है, तो नए रिप्रेजेंटेटिव को चूज करने के लिए बात हो रही थी। गोयन बाहर से घर आती है तो घर के बाहर एक मिसिंग डॉग का पोस्टर देखती है और उसे एक आइडिया आता है। गोयन घर में अंदर जाकर के लिंगजोई का फोटो क्लिक करने लगती है। ऐसे कौन फोटो क्लिक करता है यार? लिंगजोई पूछता है कि फोटो क्यों क्लिक कर रही हो। तो गोयन बोलती है कि मैं तुम्हारा ऐड ऑनलाइन पोस्ट करने वाली हूँ जिसके बाद तुम्हारी फैमिली मुझे कांटेक्ट कर सके। तो लिंगजोई उसे रोकता है। लिंगजोई उससे उसका फोन लेकर के फोटो डिलीट करने लगता है। तो गोयन अपना फोन वापस लेने के चक्कर में उसके कुछ ज्यादा ही क्लोज आ जाती है। वो उससे पूछती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे मैटर में कुछ तो गड़बड़ है, तुम कोई टेररिस्ट वगैरह तो नहीं हो ना यार जो मेरे घर में छुप करके बैठे हो। तो लिंगजोई बोलता है कि अगर मैं टेररिस्ट होता तो सबसे पहले मैं तुम्हें मारता। गोयन बोलती है मुझे मारने के लिए सोचना भी मत वरना तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस नहीं मिलेंगे। लिंगजोई गोयन से पूछता है कि तुम सच में चाहती हो कि मैं चली जाऊँ? जैसे ही गोयन कुछ बोलती लाइट चला जाता है। गोयन अंधेरे से डरने लगती है तो लिंगजोई से मोबाइल का फ्लैश जलाने के लिए बोलता है। लिंगजोई पूछता है कि तुम इतना पुराना ब्रेसलेट क्यों पहनी हुई हो? तो गोयन बोलती है कि ये मेरे भाई ने दिया था और वो मेरे लिए बहुत स्पेशल है। उसका कहना था कि ये ब्रेसलेट पहनने से मुझे नाइटमेयर्स नहीं आएंगे। तो लिंगजोई बोलते कि तुम्हें भी पता है कि बच्चों को फुसलाने वाली बात थी। गोयन बोलते कि तुम नहीं समझ सकते हो तो नहीं बोला करो। फिर लिंगजोई बोलते है कि अच्छा चलो मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक राजा था जो कि बूढ़ा हो चुका था, अब उसे अपना कारोबार संभालने के लिए कोई तो चाहिए था। तो उसके तीन बेटे थे। उसने बोला तुम लोग तीनों आपस में डिसाइड कर लो लड़ाई करके कि कौन आगे से मेरा सारा राजगद्दी संभालेगा। तो जो सबसे छोटा वाला बेटा था वो तो पहले ही हार मान गया, उसने बोला कि मैं इतना कैपेबल नहीं हूँ। अब बाकी बचा सन नंबर वन और सन नंबर टू। सन नंबर टू को ज़्यादा कैपेबल था, वो सन नंबर वन को हरा सकता था लेकिन वो कुछ सेकंड के लिए रुकता है और सन नंबर जो वन होता है वो उस बात का फ़ायदा उठा लेता है। और फिर लिंगजोई पूछता है तुम्हें इस कहानी से क्या समझ में आता है? गोयन बोलती है कि कैसा राजा था, उसे अपने बेटों की जान की फिक्र ही नहीं थी या फिर शायद वो सन नंबर टू से प्यार ही नहीं करता था। तो लिंगजोई बोलता है हो सकता है कि वो सन अडॉप्टेड था इसीलिए वो उससे प्यार नहीं करता था। तो अडॉप्टेड वर्ड सुन करके गोयन शांत हो जाती है। लिंगजोई पूछता है क्या बात है, तुम इस चीज़ से रिलेट कर पा रही हो? गोयन बोलती है कि हाँ क्योंकि मैं भी अडॉप्टेड हूँ। फिर लिंगजोई कुछ सेकंड्स के लिए चुप हो जाता है। तो गोयन बोलती करे मैं मजाक कर रही थी, छोड़ो ये सब हटाओ, मैं जा रही हूँ सोने के लिए। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि लिंगजोई के डैड से उसके कंपनी के कुछ लोग मिलने के लिए आते हैं। वो लोग बोलते हैं कि लिंगजोई को गायब हुए काफ़ी दिन हो गए हैं तो हमें कंपनी के लिए कोई नया रिप्रेजेंटेटिव खोजना होगा। तो उसके डैड गुस्सा करके बोलते हैं कभी मेरे बेटे की बॉडी मुझे नहीं मिली है और तुम लोग ये सब ड्रामा करने के लिए आ गए हो, मुझे कुछ सोचने के लिए वक्त चाहिए, अभी तुम लोग जाओ। और फिर वो फ्लैशबैक में सोचते हैं कि जब उन्होंने शुरू शुरू लिंगजोई को अडॉप्ट किया था तो उनके बेटों में उनसे पटती नहीं थी, बड़ा वाला जो बेटा था वो उसे पसंद नहीं करता था। एक दिन लड़ाई लड़ाई में लिंगजोई के पैर में
चोट लग जाता है और वो उसे धमकी देता है कि डैड को नहीं बताना। लेकिन उसी रात डिनर करते समय लिंग जोई टेबल पर से बेहोश होकर के नीचे गिर जाता है। अब इस स्टोरी का आगे क्या मतलब है हमें बाद में बताया जाएगा। नेक्स्ट मॉर्निंग गोयान जगती है तो उसको उसकी फ्रेंड का कॉल आ रहा था। वो लिंग जोई को चुप रहने के लिए बोलती है। फिर वो अपने फ्रेंड से बात करती है तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि वो कुछ दिनों के लिए उसके शहर में आने वाली है और उसके फ्लैट में ही रुकेगी। तो गोयान बोलती है कि नहीं, तुम यहाँ नहीं आ सकती। तो उसकी फ्रेंड बोलती है, क्यों, तुमने किसी को छुपा करके रखा है क्या? तो गोयान बोलती है कि नहीं, ऑफिस की तरफ से कुछ काम है जिस वजह से मैं घर पे नहीं रह रही हूँ, तो तुम यहाँ पर नहीं आ सकती हो। तो उसकी दोस्त बोलती है, ठीक है तो फिर मैं कहीं और रुक जाऊंगी। फोन रखने के बाद लिंग जोई बोलता है, तुम झूठ तो बड़ा अच्छा बोल लेती हो। तो गोयान बोलती है, ठीक है तो तुम अपने घर चले जाओ, मुझे झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में हम लोग उस लड़कियों को देखते हैं जहाँ पर जो गोयान होती है डिलीवर करने के लिए जाती है। उनमें से ये जो लड़की होती है उसका नाम होता है गोजाइनर, और ये लोग पूरा ग्रुप जो होता है वो गोयान के कॉलेज का फ्रेंड होता है। केवल गोजाइनर ही गोयान से अच्छे से बिहेव करती है। बाकी सारी लड़कियों से कमेंट कर रही होती है कि तुम भी अभी भी वही रह गई, तुम्हें कुछ सीखना चाहिए गोजाइनर से। गोजाइनर गोयान का हेल्प करने के लिए उसे अपने एक फ्रेंड का बिजनेस कार्ड देती है और बोलती है कि तुम वहाँ चली जाओ, तुमको बहुत अच्छा जॉब मिल जाएगा। तो गोयान मना कर देती है। सीन में हम लोग देखते हैं कि लिंग जैसे ही बेसिन का नल खोलता है उसके बाहर से पानी पूरा निकलने लगता है, तो वो बस एक टॉवल से बांध करके छोड़ देता है और सोने चले जाता है। वो सोने तो चले जाता है लेकिन नल में से पानी पूरा बाहर निकल करके बेसिन से पूरे घर में भरने लगता है। लेकिन वो सो रहा होता है तो उसे पता नहीं चलता है और वो एक नाइटमेयर देख रहा था जिसमें जिस तरीके से उसे याद आ रहा था कि उसके भाई ने उसे पानी में धक्का दिया था, तो उस वजह से उसे बहुत ज्यादा पानी से सफोकेशन होने लगता है। उस बुरे सपने से अचानक से उसकी नींद खुलती है तो वो अपने चारों तरफ बहुत ज्यादा पानी देखता है और डरने लगता है। कुछ देर बाद जब गोयान घर आती है तो देखती है कि चारों तरफ पानी भरा हुआ है। शुरू में वो लिंगजो पे बहुत गुस्सा कर रही थी कि अब कौन सा नया कांड कर दिया तुमने, लेकिन वो देखती है कि वो बेचारा अपने डर करके सोफा पे बैठा हुआ है। तो उसे जाकर के पूछती है, क्या हुआ, तुम डर क्यों रहे हो, तुम्हें पानी से डर लगता है? अच्छा रुको एक मिनट। और फिर वो अपने हेडफोन में गाना प्ले करके ला करके उसे पहना देती है जिससे लिंगजो को काफी रिलैक्स लगता है। इसके बाद वो जाकर के नल को बंद करती है और उसी समय से लिंगजो जो है गोयान की तरफ अट्रैक्ट होने लगा था। घर से सारा पानी निकालने के बाद गोयान बैठ करके आज सारा नोट कर रही होती है कि कितने का लॉस हुआ है, और वो लिंगजो को बोलता है कि ये सारे मैं कट करने वाली हूँ तुम्हारे बिल में से। नेक्स्ट मॉर्निंग जब गोयान घर को क्लीन कर रही होती है तो लिंगजो बैठ करके टीवी देख रहा होता है। वो देखता है कि वो शॉर्ट्स पहन के क्लीन कर रही है, तो वो जाकर उसे अपना शर्ट देने लगता है। गोयान पूछती है, क्या हुआ? तो लिंगजो बोलती है कि तुम्हें ठंड नहीं लग रही है? तो गोयान बोलती है कि अभी 30 डिग्री टेम्परेचर है, इतने टेम्परेचर में किसे ठंड लगती है यार। इसके बाद वो लिंगजो को डॉक्टर के पास रेगुलर चेकअप के लिए लेकर के जाती है। वो डॉक्टर से बात कर रही होती है तो लिंगजो नर्स से पूछता है कि डॉक्टर का शादी हो गया क्या? तो नर्स बताती है कि इस बेचारी की तो कभी गर्लफ्रेंड भी नहीं बनी है, शादी क्या करेगा। नर्स पूछती है कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? तो लिंगजो बोलती है कि हाँ, यही मेरी गर्लफ्रेंड है। गोयान डॉक्टर से पूछती है कि चोट तो इसके पैर में लगा है लेकिन कभी कभी ये अजीब बिहेव करता है, मुझे लगता है कि इसके माइंड में भी कोई प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर बोलता है कि लेकिन सीटी स्कैन तो बिल्कुल सही आया है, मुझे लगता है कि इसे टाइम लगेगा रिकवर होने में। इसके बाद वो लोग हॉस्पिटल से निकल रहे होते हैं तो प्लेग्राउंड को क्रॉस कर रहे होते हैं, तभी वहां पर उसके साइड एक बास्केटबॉल आने लगता है। लिंगजो को लगता है कि वो हीरो की तरह कैच करेगा लेकिन तब तक गोयान कैच कर लेती है। लिंगजो पूछता है, चोट तो नहीं लगी तुम्हें? तो गोयान बोलती है कि नहीं, अरे इतना का तो आदत है मुझे। लिंगजो उसका हाथ देखता है तो उसके पाम में थोड़ा सा ब्लड आ गया था। वो फिर उसको ले जा करके उसके हैंड का फर्स्ट एड करता है और हैंड प्लास चिपकाता है। गोयान भी अंदर ही अंदर थोड़ा बहुत इस चीज़ से इम्प्रेस हुई थी। इसके बाद वो लोग वेजिटेबल्स बाय करने के लिए जाते हैं। सारा शॉपिंग करने के बाद वो लोग बस स्टैंड पे पहुंचते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी। लिंगजो बोलता है कि कैब बुक कर लेते हैं। गोयान चेक करती है तो उस समय कैब का फेयर बहुत ज़्यादा था, तो वो बोलते हैं, अरे बस आने वाली है, हम लोग तुरंत चले जाएंगे। एक बस जस्ट तुरंत सेकंड बाद आती है। गोयान को लगता है कि वही बस है लेकिन दूसरी बस होती, और जैसे ही वो बस को पकड़ने के लिए आगे होती है बस रुकती नहीं है लेकिन बारिश का पानी जो होता है वो दोनों पे पड़ जाता है। लिंगजो बोलता है, अरे कैब बुक करो, मैं पे कर दूंगा। वो लोग घर पहुंचते हैं तो लिंगजो गोयान के सामने ही टी शर्ट खोलने लगता है। गोयान बोलती है, ये क्या कर रहे हो? लिंगजो बोलता है, बारिश के बाद तो नहाना होता है ना। तो गोयान बोलती है, मेरा मतलब है वॉशरूम में जाकर के नहाओ ना, और हाँ शावर काम नहीं कर रहा है, बाथ टब में नहाना होगा। तो लिंगजो बोलता है कि तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी, बिना शावर के मेरे पैर में चोट लगा है तो मैं बाथ टब में नहीं बैठ पाऊंगा। गोयान इमेजिन करने लगती है कि अगर वो वॉशरूम में गई तो लिंगजो क्या करेगा। लिंगजो बोलता है, क्या सोच रही हो? तो गोयान बोलती है, कुछ नहीं, चलो।
वो उसे बाथटब में बैठाती है और फिर वॉशरूम से निकलने लगती है। लिंग जुई उसे शैम्पू देने के लिए बोलता है तो गोयन पीछे होकर के उसे बिना देखे शैम्पू दे रही होती है और शैम्पू देने के चक्कर में गलती से लिंग जुई का बॉडी उससे टच हो जाता है तो वो ऑकवर्ड होकर के वॉशरूम से निकल जाती है। कुछ देर बाद लिंग जुई उसे फिर से बुलाता है टॉवल के लिए, टॉवल जाकर के गोयन देती है तो वो उसे बोलता है अपना हाथ दो मुझे बाथटब से निकलना है। गोयन उससे हेल्प करती है, लिंग जुई उसके शोल्डर पर हाथ रखे जैसे ही खड़ा होने का कोशिश करता है गोयन अनबैलेंस होती है और उसके साथ ही बाथटब में गिर जाती है। यही वाला एपिसोड हमारा यहीं पर खत्म होता है, आगे क्या इंटरेस्टिंग होगा जानेंगे हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में।